मेरी हस्ती, मेरी दुनिया, मेरा अंदाज जुदा है, मेरी कागज की कश्ती का निगहबान खुदा है। अरे सपना बेटी, पराठे तैयार हो गए कि नहीं? अरे जल्दी लाओ, कितना इंतजार करना पड़ेगा। आ रही हूँ अंकल। बस हो गया हो गया हो गया हो गया। क्या अंकल, आप पराठे के लिए इतना चिल्ला रहे थे? ये लीजिए, अब गर्मा गर्म खाइए। अरे बेटे, गर्मा गर्म खाएंगे तो मुंह जल जाएगा, मुंह जल जाएगा तो भाई खाने का मजा चला जाएगा ना। सपना बेटा, तुम भी हमारे साथ ही नाश्ता कर लो। हाँ, अजय के लिए नाश्ता बना लेना, वो अभी आता ही होगा। अरे बाप रे, तवे पर पराठा तो मैं छोड़ के ही आ गई। आंटी मैं अभी जाती हूँ, मेरा अजय का नाश्ता लेकर अभी आई। आपने देखा, 1 करोड़पति घर की लड़की होते हुए कितनी सुशील और होनहार है। भारतीय नारी तो कूट कूट कर भरी हुई है इसमें। अगर ये हमारे अजय को पसंद आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। यही सोचकर तो मैंने लीला से कहकर सपना को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुलवाया है, ताकि अजय सपना को अच्छी तरह से समझ ले। अगर ऐसी साक्षात लक्ष्मी हमारे घर की बहू बन जाए तो हम तो बड़े खुशनसीब हुए ना। सच कहती हूँ भगवान, भगवान करे कि अपना अजय सपना से शादी करने के लिए हाँ कर दे। जी, और अगर सपना से शादी करने के लिए अजय ने हाँ कह दी तो हमारे खुशियों के तराजू के एक पल्ले में रसगुल्ला और दूसरे में गुलाब जामुन होगा। आप हर बात में खाने को ही क्यों बीच में लाते हैं? उदाहरण दिया भी तो खाने का ही। अरे भगवान, खाना ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा खाता हूँ और अच्छा खिलाता हूँ। अरे हाँ, याद आया, वो घसीटा राम के यहाँ से मैंने गाजर का हलवा लाया था, वो सपना को तुमने खिलाया कि नहीं? अंकल और पराठे? नहीं नहीं, मेरा हो गया बस। हाँ। Good morning, everybody. Good morning. Good morning. Woo! Good morning, Bobs. Good morning. Good morning. Good morning, Mama. Morning, morning. Ma. Papa, आज मेरे कॉलेज का आखिरी दिन है और कल हम सब दोस्त वाटर पार्क में जा रहे हैं। मुझे 5,000 रुपीज चाहिए थे डैड। बस 5,000 चाहिए? बस 5,000 क्या, 10,000 ले जाओ। लेकिन सपना दिल्ली से यहाँ घूमने आई है, इसे भी लेके जाना। पॉपसी, हम लोग मस्ती करने जा रहे हैं, कोई पूजा पाठ करने थोड़ी ना जा रहे हैं। इसे तो मम्मा के साथ महालक्ष्मी मंदिर भेजिए, सिद्धि विनायक मंदिर भेजिए, या जहाँ पूजा पाठ होती है वहाँ भेजिए। ये हम लोगों के साथ बोर हो जाएगी। क्यों सपना?
हाँ अंकल अजय ठीक कह रहे हैं, मुझे ये सब कुछ सूट नहीं करता, मैं यहीं ठीक अपनी आंटी जी के पास। ठीक है तो फिर मैं कॉलेज के आखिरी दिन का मजा लेकर आता हूँ, यू एंजॉय योरसेल्फ। बाय मम्मा। बाय बेटा। बाय सपना। अरे भाई आज हुए हम इस जेल से आजाद यार। सच कहते हो यार, हमारे माँ बाप भी हमें पढ़ने भेज देते। अरे भाई एक कॉलेज ही तो था जहाँ हम रोज रोज मौज मस्ती किया करते थे, और अब कल ही से हमारे माँ बाप हमें नसीहत देना शुरू कर देंगे। हाँ यार, मेरे डैड ने तो पहले ही कह दिया, बेटा पढ़ाई खत्म तो बिजनेस शुरू। अरे भाई इस मामले में मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरे पापा मुझसे कुछ कहते ही नहीं है। अरे वो तो उल्टा ये कहते हैं खूब मौज मस्ती करो। अरे यार जितना पैसा खर्च करना है खर्च करो, आखिर सब मेरा ही तो है। वाह मजा आ गया। ओके यार अजय, अब मैं चलूंगा यार, कल से किसी काम धंधे की तलाश शुरू करूंगा। अरे मियां, तुम्हें काम धंधा तलाश करने की क्या जरूरत है, मैं जब हूँ मेरे अब्बू का मुर्गी का बहुत बड़ा फार्म है और बाजार में अंडे मुर्गी की दुकान भी है, तुम बस मेरा हाथ थाम लो, एक ही दिन में तुम्हें चूना वाला से पेदा वाला बना दूंगी। क्या यार तुम हंस क्यों रहे हो, कुछ भी बोलती रहती है यार ये। छोड़ो ना यार ये तो पागल है, तुम भी इसके पीछे। अरे भाई बस हंसी मजाक में एक बात तो भूल ही गए, कल वाटर पार्क जाना ये तो फिक्स है ना। हाँ जरूर, क्यों नहीं यार। ओके तो फिर कल सुबह सब अपनी अपनी बाइक्स लेकर कहाँ मिलेंगे, ओवर ब्रिज। ओके ओके। स्वीटहार्ट तुम मुझे कल लेने तो आओगे ना। निशा डार्लिंग, मैं सुबह सुबह अपनी बाइक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। रियली यार मेरा ना तय नहीं है, मेरे पास बाइक भी नहीं है, मैं कैसे आऊंगा। फिकर क्यों करते हो मियां, मेरे अब्बू जान की फटफटी है ना, तुम बस मेरे आशियाने पे मुझे लेने आ चला। फिर वहां से हम फटफटी पे साथ में चलेंगे। आसमान तू नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा यार, और आज के बाद पता नहीं कौन कहां होगा। ओके यार ओके, कल मिलते हैं। ओके बाय। Let's all have fun. Hey oh, take a ride now. Feel the magic. Let's all have fun. Soni soni jindri da aaj le maza. Hey oh, take a ride now. Nach nach jhume jhume yaar hum zara. Feel the magic. Let's all have fun. सोनी सोनी जिंदड़ी दा आज ले मजा, नच नच झूमे झूमे यार हम जरा, ये पल है सुहाने और हम है दीवाने, है अपने ही दिन है अपने जमाने, मुट्ठी में अपनी है सारा जहां। मखना 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 रे मखना, मखना 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 रे मखना। रुकते नहीं है ये कैसा जुनू है यारा, पाँव जमीन पे थमते नहीं है ये कैसा जुनू है यारा, हम रोके से रुकते नहीं है ये कैसा।
all have. अच्छा ये क्या कर रहे हो? तुम अपने मम्मी पापा से मुझे मिलवाने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? अब वक्त आ गया निशा डाली, मैं आज ही तुम्हें मम्मी पापा से मिलवाने ले जाता हूँ। तुम चेंज कर लो, मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ। आज वाटर पार्क में मजा आ गया ना। मामा, पापा, मामा देखिए मैं आपसे किसे मिलाने लेकर आया हूँ। आई बेटा आई, किसे मिलाने लाए हो भाई? मामा, मामा, ये निशा है। मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया था ना? आज इसे मिलवाने ले आया। अजय बेटा, क्या नाम बताए? पापा ये निशा है, ये कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। आज इसने घर दिखाने की जिद की तो मैं इसे अपने साथ ले आया। तो निशा, ये मेरे डैडी हैं। हेलो अंकल। हेलो बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने इसे अपना घर दिखाया कि नहीं? नहीं नहीं अंकल, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, आई नीड टू लीव नाउ। अरे कैसे जाओगी भाई, तुम हमारे घर की मेहमान हो और बगैर कुछ नाश्ता वास्ता किए हमारे घर से जाना हमारे खानदान की परंपरा नहीं है। मम्मा ये सपना दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? वो अपनी मौसी के साथ सिद्धि विनायक मंदिर गई है। थैंक गॉड, मैं तो बच गया। आई स्वेयर शी इज वेरी बोरिंग, वेरी बोरिंग। अच्छा जस्ट अ मिनट, क्या बात है? ये सपना कौन है? वो मम्मी की दिल्ली वाली फ्रेंड है ना, उन्हीं की लड़की है सपना। पापा, मैं और निशा 3 साल से कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते हैं। हाँ हाँ, तो तुम दोनों अच्छे दोस्त हो गए। जी अजय, निशा को शायद देर हो रही है, वो घर जाना चाहती है। अजय अब मुझे चलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। मम्मी, मैं निशा को छोड़कर अभी आया। ठीक है, ओके चलो, बाय। सुनिए जी, मुझे अजय का निशा को यहाँ लाकर हमसे मिलवाना कुछ अच्छा नहीं लगा। मुझे भी कुछ शक हो रहा है। देखिए जी, मैं कह देती हूँ, मेरी मर्जी तो इसी में है कि सपना की शादी अजय से ही हो।
अरे भगवान, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? और डॉक्टर ने तुम्हें टेंशन लेने के लिए मना किया है। और वैसे भी मैं अजय से बात करने की कोशिश करूंगा। अरे लेकिन हमें सपना की भी तो मर्जी जाननी है ना। मुझे पूरा यकीन है कि सपना हमारे अजय के लिए मना नहीं करेगी। हमारे अजय के लिए और हमारे लिए सपना ही बिल्कुल सही लड़की है। अजय बेटा। जी पापा। कहाँ जा रहे हो? पापा मुझे बाहर जाना है, शाम तक वापस आ जाऊंगा। अरे बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो, मौज मस्ती छोड़ो, घर के धंधे में ध्यान दो। पापा, I'm getting late. पता नहीं कब सुधरोगे। बेटा, सारा सारा दिन तुम घर से बाहर रहते हो और रात में भी देर से घर लौटते हो। अजय बेटा, अब तुम शादी कर लो ताकि हमारी भी जिम्मेवारियां पूरी हो जाए। मम्मी, मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। अभी शादी नहीं करना चाहते या सिर्फ निशा से ही शादी करना चाहते हो? निशा, निशा, निशा। हा? हमेशा इस घर में एक ही बात चलती रहती है। मम्मी, अगर मेरी शादी निशा से ना हुई तो ना सही, मगर मैं सपना से शादी कभी नहीं करूंगा। सपना में क्या कमी है अजय? इतने बड़े हो गए हो तुम, आज तक किसी चीज की कोई कमी की है हमने? और आज तक जो भी कुछ किया है तुमने अपनी मर्जी से किया है ना? हाँ, कुछ पल की खुशियां नहीं दे सकते तुम? देखिए मम्मी, फिलहाल मैं शादी के बारे में डिस्कस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बाय। अजय, अजय। अजय के मम्मी पापा ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अजय ने हमारे रिश्ते के बारे में उनको कुछ नहीं बताया हो। हो सकता है। लेकिन ये सपना क्या कर रही है उनके घर में? ऐसा तो नहीं कि उसके मम्मी पापा अजय का रिश्ता उस सपना से करवाना चाहते हो? ओह नो, ओह नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो अजय मेरे हाथ से निकल जाएगा और मेरा जो सपना है ऐशो आराम की जिंदगी बिताने का, वो भी चकनाचूर हो जाएगा। ओह नो। ये सपना का कुछ करना होगा। हाय निशा डार्लिंग। ओ सुनील, आओ बैठो। क्या बैठूं यार, पढ़ाई क्या खत्म हुई? तुमने अजय ने कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की। मिलना तो दूर की बात यार, एक फोन तक नहीं किया। अब इतने बुरे तो है नहीं हम, कुछ परेशान सी लग रही हो। परेशान तो हूं मैं। एक्चुअली मैं अजय के घर गई थी। इनफैक्ट अजय ही लेकर गया था उसके मम्मी पापा से मिलवाने के लिए। लेकिन वहां जाकर उसकी मम्मी का बिहेवियर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं रहा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, कोई दिल्ली से सपना नाम की लड़की उनके घर में ठहरी हुई है। सपना? मुझे तो ऐसा लगता है कि अजय के मम्मी पापा अजय की शादी उस लड़की से करवाना चाहते हैं। उसके वजह से अजय भी बहुत परेशान है। तो क्या फर्क पड़ता है, वो चाहे किसी भी सपना अपना से शादी करे, तुम्हारे लिए तो हम हैं ही ना। ओह रियली? अब देखो, सच बताऊं तो मुझसे शादी करोगी बहुत फायदे में रहोगी। अच्छा, मैं तुमसे कोई दहेज तो लूंगा नहीं। चलो माना अजय के डैड ने तुम्हारी शादी अजय से करवा दी। बिजनेसमैन आदमी है, दहेज में ना जाने तुम्हारे घर वालों से क्या मांग ले। हाँ, ये भी ठीक है। और हम तो तुम्हारे आशिक हैं, तुम्हें एक जोड़ी कपड़े में भी ब्याहने के लिए तैयार हैं। तुम इशारा तो करो, चट मंगनी पट ब्याह कर लें।
करो तो क्या इशारा यार। ओ कम ऑन, मजाक छोड़ो, मेरी मदद करो। मदद? हेलो, शिट, क्या परेशानी है यार, इसका फोन भी नहीं लग रहा। हेलो, हाँ अंकल, मैं सुनील बोल रहा हूँ, अजय घर पे है? अच्छा हाँ अंकल, मैं ना अभी, आप उसको प्लीज घर पे रोकिएगा, मैं अभी घर पे आया। लो जानम, तुम्हारा काम तो हो गया, अब नाचीज को इजाजत दीजिए। हाउ स्वीट। लेकिन अजय नहीं तो मैं तो हूँ। अच्छा तो हम चलते हैं। बाय, टेक केयर। नमस्ते अंकल। ओ नमस्ते बेटा, नमस्ते, आओ बैठो। और कैसे हैं अंकल? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? एकदम अच्छा हूँ। अजय कहाँ है अंकल? नीचे पूल खेल रहा, मैं पूरा खिलाता हूँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट। सुनील बेटा, क्या बात है, अजय तुमसे मिलता नहीं क्या? नहीं अंकल, उसका फोन भी स्विच ऑफ रहता है, कुछ रूठा रूठा रहता है, कोई प्रॉब्लम है? अब बेटे देखो, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो, अब तुमसे क्या छुपा। अजय अपनी फ्रेंड निशा को घर लेके आया था। निशा एक मॉडल लड़की है जिसे लेकर उसकी मम्मी में कहा सुनी हो गई। लेकिन अंकल, अजय निशा को बहुत प्यार करता है, निशा ही उसकी पहली पसंद है। बेटे मैं एक ठाकुर हूँ, लेकिन मैं पुराने जमाने के ठाकुरों जैसा नहीं हूँ। अजय एक पढ़ा लिखा लड़का है, उसे घर के माहौल के बारे में पता है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे घर का माहौल खराब हो। सही बात है अंकल, आपकी बात में दम है। मतलब कुल मिलाकर आप चाहते हैं सपना ही आपके घर की बहू बने? हाँ, अजय की मम्मी ने सपना को ही अपनी बहू के रूप में देखा है। अच्छा अंकल, मैं अजय से मिल के आता हूँ। ठीक है, ओके अंकल। ओके Well shot. अरे सुनील, तू क्या बात है, कॉलेज खत्म होने के बाद तो तुम लोग मुझे भूल ही गए। चल बता कैसे आना हुआ। क्या बताऊं यार, बात ही कुछ ऐसी थी, फोन लगा रहा था लेकिन मिला ही नहीं, फिर सोचा तुमसे मिल ही लूं। अच्छा किया यार, और बता। यहाँ आने से पहले निशा के घर गया था, कुछ परेशान लग रही थी, मैंने सोचा कोई प्रॉब्लम है तो तुझसे पूछ लूं। क्या बताऊं यार, निशा को मम्मी डैडी से मिलवाने ले गया था, मगर वो मेरी शादी सपना से करना चाहते हैं। मम्मी ने तो निशा को बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया। हाँ यार, अभी तेरे डैड से वही बात हो रही थी, बोले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तू निशा से शादी करता है, लेकिन कह रहे थे तुझे अपनी प्रॉपर्टी से अलग कर देंगे। यही तो प्रॉब्लम है यार, मैं निशा के लिए अपने मम्मी डैडी को कभी नहीं छोड़ सकता, पता नहीं निशा मेरे बारे में क्या सोच रही है। देख यार अजय, ऐसा ना हो निशा से शादी करने की जिद में तू अपनी जिंदगी तबाह कर ले, और तेरे डैड फिर प्रॉपर्टी के साथ साथ तुझे अपने से भी अलग ना कर दें। सोच जिंदगी कैसे जिएगा, निशा को वो खुशियां दे पाएगा जो तू उसे देना चाहता है? तो फिर क्या करूं, अपना प्यार, अपनी खुशियों को भूल जाऊं? देख यार अजय, तेरा दोस्त हूं, फायदा इसी में है तू निशा को भूल जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी निशा के घर चलते हैं, वहीं जाके बात कर लेते हैं। छोड़ ना गेम, आ ना। ठीक है चल। अजय कहाँ थे तुम? हाँ, कब से मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रही हूँ। डार्लिंग, हम दोनों की शादी को लेकर घर पे कुछ टेंशन चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सपना, मम्मी डैडी उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अगर मैंने तुमसे शादी की तो हो सकता है मुझे घर छोड़ना पड़े। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? देखो अजय,
ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस दुनिया में प्यार के सहारे तो जिंदगी नहीं कटती है ना, क्यों अजय? तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अपने मम्मी डैडी को जरूर मना लूंगा। मुझे तो नहीं लगता कि तू अपने मॉम डैड को इतनी जल्दी मना पाएगा। तो फिर जल्दी क्या है, हम लोग कुछ देर से शादी कर लेंगे। देखो अजय, तुम्हारे इस प्रॉब्लम के वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। लाइफ में तो सेटल होना ही है, और एक खेल कूद के लिए, मस्ती करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तो फिर क्या करना चाहती हो तुम? मैं सोच रही हूं कि सुनील के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लूं। देख, अब वक्त का तकाजा भी यही है, तो तू इसे तकदीर का फैसला मान और अपना फैसला बना ले, फायदे में रहेगा। डार्लिंग, तुम नहीं जानती तुम्हारे इस फैसले ने मुझे कितनी खुशी दी है, और वैसे भी तुम जैसी खूबसूरत और सेक्सी लड़की के लिए मुझ जैसा कूल डूड ही अच्छा रहेगा, है ना? अब देखो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत और रंगीन होगी। अब तो हमारी जिंदगी सेट हो गई है, पता नहीं हमारे दोस्तों की जिंदगी में क्या हलचल चल रही है। कमीने मस्ती कर रहे होंगे साले अपने अपने पार्टनर के साथ, है ना? Maybe. शायद हमारी खबर सुन के उन्हें भी अपनी शादी के बारे में सोचना पड़ जाए।
जब भी मैं तुम्हें कॉलेज में अजय के साथ देखता था, अंदर ही अंदर बहुत जलता था। यकीन ही नहीं आ रहा कि आज तुम मेरी बाहों में हो और तुम मेरी बन चुकी हो हमेशा हमेशा के लिए। अब तो तुम्हें यकीन हो गया है ना कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। Love you too. Oh God,
कहाँ रह गया रोहित? स्विच ऑफ। हाय सेक्सी, हमारा इंतजार कर रही हो या कोई नया पंछी आने वाला है? रोहित, एक तो लेट आते हो और ऊपर से बकवास कर रहे हो। अरे बाबा, आ तो गया ना। अच्छा प्रॉमिस, आज के बाद तुम्हें तंग नहीं करूंगा। प्रॉमिस प्रॉमिस, हर बार प्रॉमिस, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बाबा, अब नाराज होना बंद करो, हमें कुछ इश्क मोहब्बत के मजे तो लेने दो। रोहित, पीछे हटो, जाओ ना, कुछ तो शर्म करो, पब्लिक प्लेस है, कहीं भी शुरू हो जाते हो। अरे मेरी जान, प्यार किया तो डरना क्या? प्यार व्यार तो सब ठीक है, पर ये सब करने के लिए शादी करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब मैडम को शादी की चिंता होने लगी, पहले जब मौज मस्ती की तब नहीं सोचा। ठीक है, पर अब शादी कर लेनी चाहिए, अब बिना शादी के यूं ही कितने दिनों तक मौज मस्ती करते रहेंगे? ये सब उस निशा की वजह से हो रहा है, कमबख्त प्यार अजय से और शादी सुनील से। पर उन दोनों ने शादी तो की ना, हमें भी कुछ सीखना चाहिए। ठीक है बाबा, अगर तुमने शादी का सोच लिया तो कर लेते हैं शादी, वैसे इसमें हर्ज भी क्या है, पर मैं सोचता हूँ कि शादी करूँ किससे, तुमसे, प्रियंका से या साधना से? प्रियंका से? You, I hate you. तो आज तुम मेरे घर चल रही हो ना? क्यों? मेरी मम्मी से मिलने के लिए। मम्मी से क्यों? अब घूमना फिरना तो बहुत हो गया, शादी वादी करनी है कि नहीं? इतनी भी जल्दी क्या है, हम भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, और बड़े बूढ़ों से मिलने के बाद हमारे मिलने जुलने में रुकावटें आने लगेगी। रुकावटें? कैसी रुकावटें? यही कि लड़की में बिल्कुल शर्म आया नहीं है, मेरे लड़के को लेके यहाँ वहाँ भटकती रहती है। मेरे साथ रहकर तुम भी अकलमंद होती जा रही हो। हाँ, तो क्या मैं बेवकूफ हूँ? अरे मैंने ऐसा कब कहा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मेरी मॉम कोई पुराने ख्यालात की नहीं है, वो भी मॉडर्न है, तुम उनसे मिलोगी तो खुश हो जाओगी। हटो मुझसे दूर। हसीनों के गुस्से के बारे में सुना था और आज देख भी लिया, सुभान अल्लाह। छोड़ो ये शेरो शायरी, जले हुए कबाब के जैसा हाय ये तेरा गुस्सा, लाल लाल गाल कश्मीर के सेब, कोलगेट टूथपेस्ट जैसे तुम्हारे ये चमकीले दांत, या अल्लाह, गुस्से में यू आर सिंपली ग्रेट। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, बहुत पकाते हो तुम मुझे। 5 बजे मुझे अर्जेंट घर जाना है। क्यों अर्जेंट क्यों? टीवी पर अमित जी की फिल्म आने वाली है। तो क्या? आई लव अमिताभ। क्या कहती हो, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लाइफ पार्टनर के हिसाब से तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे अमित जी की फिल्में और उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। तो ठीक है, तुम जाओ अमिताभ के पास, मैं चला अपनी रेखा के पास। क्या? अरे, अरे, रेखा मतलब हाथ की रेखा। अच्छा, हाथ की रेखा, तो बोलो आई लव यू। आई लव यू प्रिया डार्लिंग। आई लव यू टू। पवन पवन प्लीज, गाड़ी थोड़ा आराम से चलाओ, हम बातें करते हुए आराम से चलते हैं। क्यों, रफ्तार से डर लगता है? आउच! पवन, पवन, प्लीज, 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 प्लीज। ओके, 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 ओके। पवन प्लीज, इस तरह मुझे मत देखो, मुझे कुछ होने लगता है। तुम्हें क्यों ना देखूं, तुम मेरी हो, तुम्हें देखने का हक मुझे है और मैं इस हक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलो हटो, बहुत बोर करते हो। तुम्हारी जादुई आंखों के सुरमे को मैं अपनी आंखों में बसा लूं, तुम्हारे जिस्म की अंगड़ाई को अपने रगों में बसा लूं, बस यही तमन्ना है मेरी। वाह जनाब, आप शायरी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं। तुम इसे शायरी समझो, ये तुम्हारी मर्जी, ये तो मेरे जज्बात है जो अल्फाजों की शक्ल में होठों से निकल आए, अब इसे तुम जो भी समझो। कहिए बहन जी, कैसे लग रहा है? ठीक है। पहले से थोड़ा अच्छा है? देखिए आप कोई टेंशन मत लीजिए।
आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएंगे जी। देखिए सिन्हा साहब, बात यह है कि डैडी क्या हुआ मम्मी को? कुछ नहीं बेटा, डॉक्टर साहब के मुताबिक हार्ट अटैक का दौरा आया था। घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी मम्मी को? देखिए उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है और यह ब्लड प्रेशर उन्हें टेंशन की वजह से है, उससे हार्ट पर प्रेशर बढ़ गया है। हम अभी उनकी एंजियोग्राफी करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि क्या है। डॉक्टर साहब आप कुछ भी कीजिए, मेरी मम्मी को पहले जैसा कर दीजिए, मैं अपनी मम्मी के बगैर नहीं रह सकता डॉक्टर साहब। देखिए सुनिए, आपको यह मालूम करना है कि किस चीज का टेंशन है, वो आपका काम है। आप लोग उनके टेंशन को कम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और अभी जो है उनका एंजियोग्राफी करवाना है, एंजियोग्राफी के बाद ही बता सकता हूँ कि कितना डैमेज है। डॉक्टर साहब क्या मैं 5 मिनट के लिए अपनी मम्मी से मिल सकता हूँ? देखिए नॉर्मली तो अलाउ नहीं करते हम, लेकिन आप जा रहे हैं तो आपको 2-3 मिनट से ज्यादा अंदर नहीं रुकना है, और उनसे किसी तरह की बात न करें और किसी भी तरह का टेंशन न दे। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। एक मिनट बेटा, मुझे तुमसे इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी माँ की जो हालत हुई है इसके सबसे बड़े जिम्मेदार तुम हो। मैं कैसे पापा? बेटा तुम्हारी माँ ने सपना को अपने घर की बहू बनाने के सपने देखे थे। सपना एक करोड़पति होते हुए भी कितनी सुशील समझदार एक भारतीय नारी है। वो कितना किस्मत वाला होगा बेटा जिसकी किस्मत में वो आएगी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता, क्या हालत बना रखी है? तू क्यों इतना टेंशन लेती है? मैं तेरा बुरा बेटा हूं ना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अरे तू परेशान क्यों हो रहा है? अभी मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। आज तेरी खुशी में मेरी खुशी है। तू चाहती है ना मैं सपना से शादी कर लूं, मैं सपना से शादी करने के लिए तैयार हूं। तू बस ठीक हो जा माँ, तू ठीक हो जा। तू क्यों परेशान हो रहा है? हाँ हाँ अभी मैं जिंदा हूं ना, तू इतना दुखी मत हो बेटा। अभी तो मुझे अपने पोते पोतियों के साथ खेलना है। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। ना ना रो बेटा, ना रो, ठीक हूँ मैं, चुप हो जा। उफ आए, ये गर्मी, कितने गर्मी है आज। अरे ये अरे क्या चिल्ला रही है तू? तुझे तो कभी ना कभी कोई हलाल कर देगा और तू दुनिया को अलविदा कह देगी। ओ, अरे जान के लाले तो मुझे पड़े हैं। हाय ये गर्मी। कौन है? अरे कौन है भाई? कस्टमर हो? आ रहा हूं। अरे बाप रे, क्या चाहिए भाई? एक दर्जन देसी अंडे चाहिए। देसी अंडे चाहिए, अमेरिकन जीन्स, जर्सी मेड इन कोरिया, वाह, और ये चश्मे रेबन के मेड इन जापान। अरे बाप रे, जूते
इंग्लैंड के। क्या बात है, क्या बात है। अरे राडो की घड़ी मेड इन स्विट्जरलैंड। ये क्या भाई, दिखाना जरा। इम्पोर्टेड सिगार। अरे मियां, तुम्हारे तो दाढ़ी और बाल भी इम्पोर्टेड लग रहे हैं। ज्यादा बक बक मत करो, एक दर्जन देसी अंडे निकालो। देसी अंडे चाहिए तो दे देता हूँ, देता हूँ। साला हिटलर की औलाद, अंग्रेज चले गए और अपनी औलाद यहीं पे छोड़ गए। उसे नीचे तक देखो, साला अंग्रेजी मर गया। ये लो। हाँ, क्या आदमी है यार, ऊपर से नीचे तक वलैती और अंडे चाहिए देसी। अंडे भी किसी वलैती मुर्गी से लेना। अंग्रेजी कॉक। क्या यार, इतनी गर्मी, ऊपर से ग्राहक कोई नहीं है। घर जाता हूँ। यहाँ पे क्या, चल उस्मान मियाँ कर शटर बंद। बड़ो सुन, अपनी मुर्गी को रखना संभाल, मेरा मुर्गा हुआ है दीवार। अबे अंडा है क्या, दिखाई नहीं देता। अरे बाप रे, ये तो बाहर है। अबे तेरी तो, अरे अबे अजय तू, अरे उस्मान चुना वाला तू। कैसा है यार, कितने दिनों बाद मिला है। अरे माफ करना यार, मैंने तुम्हें भला बुरा बोल दिया यार। अरे वैसे मैं डर गया था, मैंने सोचा भाई आदमी बाहर आ रहा है, पिटने वाला हूं। और एक बात बताऊं? हाँ बता। बात ये है, अब मैं उस्मान चूना वाला नहीं रहा, उस्मान बेदा वाला बन गया हूँ। अच्छा यार एक बात बता, ये तो उस्मान चूना वाला से बैदा, बैदा राइट? हाँ हाँ। बैदा वाला कैसे बन गया? यार अजय, ये एक लंबी कहानी है यार। ये पास ही में मेरी दुकान है, वहीं पे चलते हैं, वहीं पे बातें भी हो जाएंगी यार। चलना है? चल ठीक है, चल आ बैठ गाड़ी में। बैठ। हाँ भाई, अब बता, ये अंडे मुर्गी का क्या माजरा है? अजय, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद बहुत दर बदर की ठोकरें खाई यार, लेकिन कोई सर्विस नहीं मिली। ऊपर से दो जवान बहनों को बिहाने की जिम्मेदारी। तू तो जानता है यार कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। वो अपने कॉलेज में रशीदा बैदा वाली पढ़ती थी ना, उसी से शादी कर ली। ससुर जी का पोल्ट्री फार्म और ये दुकान थी। ससुर जी तो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, तब से ये कारोबार मैं ही संभाल रहा हूँ। और बस बन गया उस्मान चूना वाला से उस्मान बेदा वाला। वो सब तो ठीक है, मगर यार एक बात बता, कॉलेज में तो तू रशीदा को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था। आई मीन यू नेवर लाइक्ड हर। फिर ये सब कैसे? मैंने कहा ना यार, दो बहनों की शादी के लिए जिंदगी से समझौता करना पड़ा। ये कैसा समझौता है? आई मीन तेरी बहनों की शादी का तेरी शादी से क्या मतलब है? है अजय, हमारे समाज में घुसा ये दहेज का दूषण, जैसे एड्स की बीमारी का कोई इलाज नहीं है ना, वैसे इस दहेज का भी कोई इलाज नहीं है। बहनों के लिए अच्छे रिश्ते तो आते थे, मगर वो लोग कुछ ना कुछ डिमांड करते थे, इसीलिए मैंने अपनी खुशियां दांव पे लगा दी यार। डैम इट, दिस इज टू मच यार। तुझ जैसे पढ़े लिखे लड़के ने दहेज दिया। तुझे मालूम है आज की तारीख में दहेज देना और लेना दोनों कानूनन जुर्म है। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी जीते हुए आज तक कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन अपनी बहनों की शादी करने के लिए ये जुर्म मुझे मजबूरन करना पड़ा। तेरी कोई बहन नहीं है ना, इसीलिए तू ये बात कह रहा है। दो जवान बहनों को घर में बैठाए रखना दो सुलगते हुए अंगारों को अपने हाथ में दबाए रखने के बराबर है, और कोई इंसान कब तक ये सुलगते अंगारे अपने अपने हाथ में। अरे बाबा तू तो बहुत सीरियस हो गया। चल बाबा, आई एम सॉरी। वो क्या है ना, तकलीफ किस चिड़िया का नाम है, ये मेरे डैड ने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया। मैंने उनसे पानी मांगा, उन्होंने मुझे दूध पेश किया। सच है यार, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ। और अगर
मैंने तुझे ठेस पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर देना। अरे अरे छोड़ना यार, क्या बात कर रहा है। अच्छा ये बता, तूने शादी की या नहीं? या अभी तो कुछ निशा की शादी का महत्व मना रहा है। हालात के साथ समझौता तो मैं भी करने जा रहा हूँ। वो मम्मी की दिल्ली वाली फ्रेंड है ना, उनकी बेटी सपना से शादी करके। ओके वेरी गुड, कांग्रेट्स, क्या बात है यार। अजय मेरा घर पीछे ही है, चाय पी के जाना यार। अरे रशीदा भी तुझे बहुत याद करती है, चलना है यार। अरे चलना यार, एक कप चाय पी के जाना। ओके ठीक है, तो फिर मैं रशीदा भाभी से भी मिलूंगा। और एक बात याद रखना, हा? तुझे मेरी और सपना की शादी में जरूर आना है। अरे तू बुलाएगा भी नहीं तब भी आऊंगा मैं। मुझे तो घर आते हुए भी डर लगता है यार, बहुत मारती है, हर रोज पिटता हूँ कसम से। तू एक मिनट यहीं पे रुक। रशीदा डार्लिंग, हाय अल्लाह, तुमको भरी दोपहरी में भी चैन नहीं है, अब क्यों आए हो? पहलवान, मेरा मतलब मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए वो तोहफा लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम फूली नहीं समाओगी। लेकिन जितनी हो उतनी रहना, काफी है। क्या बोले? मैं कुछ नहीं बोल, हम मेरी क्या मजाला, मैं कुछ बोलूंगा। हा? अच्छा मैंने तुम्हें टर्किश मुर्गी लाने के लिए कहा था, मिल गई क्या? कहाँ है बताओ ना। अरे अंडे मुर्गी की औलाद, कभी तो अंडे मुर्गी से बाहर निकल कर बात किया कर। देख मैं किसे लेकर आया हूँ। हाय अल्लाह, अजय भैया नमस्ते। नमस्ते रशीदा भाभी। भैया आप मुझे भाभी मत कहो, मैं तो आपकी बहन हूँ ना। अरे भाई ये बहुत अच्छा हुआ, वैसे भी मेरी कोई बहन नहीं है, आज से तू मेरी बहन। और देख कमीने, आज के बाद मेरी बहन को कोई भी तकलीफ दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा गया? तुझे इसे देखकर लगता है कि ये किसी तकलीफ में है? अबे तकलीफ में तो मैं हूँ साले। अबे साला बोला, तूने इसको बहन बोला? बोला तो फिर साला ही हुआ ना। अच्छा एक बात बता, अब मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ, ऐसे सूखा सूखा ही भेजेगा, चाय वाय भी पिलाएगा? चाय पिएगा? हाँ मुसीबत में डालेगा साले। क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं। डार्लिंग हर रोज तो मैं ही चाय बनाता हूँ ना। हाँ। आज इज्जत का सवाल है, प्लीज चाय बना दो ना, बना दो यार। ठीक है। शुक्र है मान गई। तुम बैठो ना यार, तुम क्यों खड़े हो? और बताओ कैसी चल रही है लाइफ? अरे अल्लाह का शुक्र है आज चाय मैं नहीं बना रहा। भाई उस्मान तो बिल्कुल भी नहीं बदला। क्या खिचड़ी पक रही है दोनों में? लीजिए चाय पीजिए। उदी उठा लो, इससे उम्मीद मत रखो। शुक्रिया यार, पहली बार किसी ने हाथ में चाय पकड़ाई है। बैठ जा नीले बुलडोजर, उठा ले चाय। बहुत अच्छी चाय बनी है, मजा आ गया। क्यों झूठी तारीफ कर रहे हो यार, मुझे तो लगी नहीं, देखो। छी तुम्हारा टेस्ट भी अजय बहुत घटिया टेस्ट है यार। उस्मान, रशीदा अब मुझे इजाजत दो, घर और दुकान तो मैंने देख ही लिए हैं, अगर यहाँ से गुजरा तो जरूर आऊंगा। नहीं अजय भैया, आप हमारे यहाँ पर पहली मरतबा आए हो, हम आपको खाना खाए पकड़ कैसे जाने देंगे? हाँ यार अजय, खाना तो खाकर ही जाना, हम तुझे कुछ ये ज्यादा नहीं खिलाएंगे, दाल फ्राई खिलाएंगे बस। कैसी बात कर रहे हो, हमारे घर में मुर्गी और आप मेरे भैया को दाल खिलाओगे? अरे बेवकूफ, हमारे घर की मुर्गी है ना, तुमने वो कहावत सुन रखी है, घर की मुर्गी दाल बराबर। समझती नहीं है यार। भाई मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके, अब मुझे इजाजत दो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे निकलना होगा। डिनर का प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम रख लेंगे। ठीक है, कैसी तुम्हारी मर्जी, हम अगर मिलते रहना। चलो रशीदा बहन अपना ख्याल रखना। ठीक है, आओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्यों दुकान में जाने का इरादा नहीं है क्या? अरे डार्लिंग गर्मी की वजह से कोई ग्राहक तो आता नहीं। और सोचता हूँ थोड़ा आराम ही करके जाऊं। सुनो मुर्गा मुर्गी बेशरम। अरे भाई कहाँ हो, चाय वाय तो लाओ। ला रही हूँ।
लीजिए, आप भी लीजिए। शुक्रिया। आप लीजिए। अब तुम भी बैठो भाई। सिन्हा साहब, अब हम समधी होने जा रहे हैं तो क्यों ना लेन देन की बातें तय कर लें। भाई आप तो पक्के बिजनेसमैन हैं। ये बताइए आपने मेरे बेटे की क्या कीमत लगाई है? वैसे तो मेरा पूरा एम्पायर सपना बेटी का ही है और शादी के बाद तो कानूनन अजय का ही हो जाएगा। वेरी गुड। मैंने भी बचपन से लेकर आज तक अजय के पीछे पानी की तरह पैसा बहाया है। अब आप ये बताइए कि दहेज में कितना कैश देंगे? चलिए सिन्हा साहब, जब आपने पूछ ही लिया है तो तिलक में हम 10 करोड़ रुपया दे देंगे। तिलक में 10 करोड़? रिसेप्शन में कितना खर्च करेंगे? चलिए रिसेप्शन पर हम 5 करोड़ खर्च कर देंगे। 10 करोड़ तिलक में और 5 करोड़ रिसेप्शन में, यानी कि 15 करोड़। भाई हम भी अजय की शादी में 10 करोड़ खर्च कर देंगे। ये हुई ना रानी पे बादशाह। आपके 15 करोड़ और मेरे 10 करोड़, यानी कि कुल मिलाकर हो गए 25 करोड़। जी, लेकिन अजय से सपना की शादी करने की मेरी एक शर्त है। वो क्या? देखिए ओबेरा साहब जी, मैं दहेज और ब्याज के सख्त खिलाफ। वाह 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 वाह। लेकिन मेरे पास कोई बेटी तो है नहीं, अगर होती तो भी मैं दहेज नहीं देता। हाँ। और उसकी शादी ऐसे घर में कतई नहीं करता जहाँ दहेज के लोभ ही होते। देखिए ओबेरा साहब, हमारे देश में करोड़ों ऐसी लड़कियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है, हैं तो इतने गरीब हैं कि शादी का खर्च नहीं उठा सकते, बारातियों को खाना नहीं खिला सकते। इन पैसों से हम उन लड़कियों का सामूहिक विवाह करवाएंगे, यानी कि सामूहिक लग्न। और रही अजय सपना की बात, तो शादी हम गायत्री मंदिर में करवा देंगे, कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलवा लेंगे, साथ फेरे भी वहीं करवा देंगे। सिन्हा साहब, हम तो धन्य हो गए। जो सपना बेटी को आपका घराना मिला और साथ में मिले श्री रामचंद्र जैसे ससुर और माँ सीता जैसी सास। आज आपके दोस्त आने वाले थे, आए नहीं अभी तक? आते ही होंगे। हाय अजय। हाय अजय, कांग्रेट्स। अरे वाह, नमस्कार बाबू जी। कांग्रेट्स यार। हे थैंक्स। हाय अजय। हे कांग्रेट्स यार। वाह भाई अजय, तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले, बिना बताए गायत्री मंदिर में जाके शादी कर ली। हाँ यार, आखिर तू भी हमारी बिरादरी में शामिल हो गया। वो कैसे? अरे यार, अब तू भी हमारी तरह शादीशुदा जिंदगी के मजे लेगा और हमारी तरह सैटरडे नाइट पार्टी से अटेंड करेगा। ये सैटरडे नाइट पार्टी क्या है? अरे भाई समझाते हैं, समझा देंगे। अजय, हमें अपनी वाइफ से नहीं मिलाओगे? और तुम्हारी वाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल है। ओके फ्रेंड्स, मिलिए मेरी वाइफ से सपना। सपना ये है पवन, साधना, प्रियंका, शक्ति, सुनील, नमस्ते। और ये है मेरा दोस्त रोहित, और ये उसकी वाइफ भारतीय नारी। भाई वाह, मानना पड़ेगा अजय, बहुत खुशकिस्मत हो, काफी सुंदर है सपना। कॉलेज के जमाने में फ्लर्ट तो तुमने निशा के साथ किया और शादी इतनी खूबसूरत लड़की सपना के साथ, रियली यू आर वेरी लकी डियर। खूबसूरत बीवी को जरा बचा के रखना जाए। वाह, इतनी खूबसूरती, उस पर ये कातिल मुस्कान, हमारा तो मन ही मचल उठा। हाय भाई, अपना भी दिल मचल उठा। क्यों निशा, तुम अपने प्यारे दोस्त अजय और उसकी खूबसूरत बीवी को बधाई नहीं दोगी? Why not? अजय, शादी मुबारक हो। Thanks. सपना, meet my friend निशा। तो आप हैं निशा जी? जी हाँ, अजय की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। क्यों, अब दोस्त नहीं है आप?
अब अजय पर हमारा हक कहाँ? अब अजय तुम्हारा हो गया है ना? अजय की तो मैं सिर्फ बीवी हूँ, पर दोस्त तो आप सभी हो। निशा और दोस्त। मुबारक हो अजय मेरे दोस्त। हाय उस्मान। नमस्ते रशीदा भाभी। उस्मान भाई सलाम अलैकुम। कैसे हो उस्मान भाई? हाय सुनील। हाय भैया, आप भाभी तो बड़ी सुंदर लेकर आए हो, लेकिन भाभी एक बात याद रख लेना, मैं मेरे भैया की इकलौती बहन हूँ। अगर मेरे भैया को जरा सी भी तकलीफ हुई ना, तो मेरी सेहत देख रहे हो ना। मुझे ननन बनने पर मजबूर मत करना। भाभी, अजय मेरा इकलौता साला है, मगर है बहुत बदमाश। इसे कंट्रोल में रखना, अगर कोई बदमाशी करे ना, इस बंदे को याद करना, इसे एक मिनट में सीधा कर दूंगा मैं। छोड़ो जी, आए बड़े, ये मेरा भाई है, अगर इसे जरा सी भी तकलीफ हुई ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और आप तो घर चलिए, आपको तो मैं मामा बताती हूँ। अब क्या बताओगी मेरी माँ? सबके सामने बताऊँ क्या? घर चल के, घर चल के। दोस्ती तो जिंदगी भर चलती रहेगी, क्यों अजय? मेरे ख्याल से दोस्तों अब हमें चलना चाहिए। अबे चुप ना, इसकी पार्टी पर आए हैं, सूखे सूखे थोड़ा जाएंगे। कुछ ये भी ठीक है, आओ दोस्तों। या लेट्स गो। हाँ चलो यार, आओ उस्मान भाई। हाँ। यार सुनील, तुम्हें तो पता है मैं खाने पीने वाला आदमी नहीं, तुम्हें एंजॉय करो ना। चलो हम सब ठीक है, सपना के पास बैठ, एंजॉय योरसेल्फ। मैं तो अपनी भाभी के पास बैठूंगी। बैठो मेरी माँ। निशा जी, आपकी भी शादी हो चुकी है ना, तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र माफ कीजिएगा, हम बस ऐसे ही पूछ बैठे। Here is yours. Cheers. 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 Cheers, man. Cheers. Cheers. यार एक बात बता, ये सैटरडे नाइट वाली बात क्या थी? सैटरडे नाइट का मतलब की क्लब। मतलब वहां हम सब इकट्ठा होते हैं अपनी बीवियों के साथ और फिर एक्सचेंज। क्वाइट इंटरेस्टिंग है, मगर मुझे अब भी पता नहीं चला आप लोग क्या बात कर रहे हैं। देख भाई, सारा हफ्ता तो हम लोग काम में बिजी रहते हैं और हर रात वही बीवी, इट्स रियली बोरिंग यू नो, दैट्स व्हाई वी नीड चेंज। इसका मतलब दूसरी लड़कियां? इसे खुलकर समझाना पड़ेगा। देख भाई, जब हम किसी चीज से बोर हो जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है हमारी बीवियां भी बोर होती होंगी। और जब हम लोग सब सैटरडे नाइट को इकट्ठा होते हैं तो वहां पर आपस में ही एक्सचेंज। क्या बात कर रहा है यार? इससे एक फायदा भी है, एक तो वहां पर किसी को पता नहीं लगता और दूसरा वहां पर मजे ही मजे। भी कमाल हो यार, वैसे मजे बड़े आते हैं। और हाँ, जलसे भी हैं। हाँ, तू तेरा प्यार, शायद निशा मेरी बीवी, वो भी तुझे मिल सकती है, आना जरूर तू। स्वीटहार्ट। या बेबी, वी आर गेटिंग लेट, सारे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे हैं। ओके, चले चले दोस्तों, चलो। चलो, वैसे भी अजय की बेकरारी बढ़ती जा रही है। बाय बाय डियर।
अजय, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखो सपना, इससे पहले तुम मुझसे कुछ कहो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने तुमसे शादी सिर्फ मम्मी डैडी की खुशी के लिए, तुम्हें तो मालूम ही है मैं निशा से कितना प्यार करता हूँ, और शादी भी उसी से करना चाहता था, मगर मैंने सिर्फ मम्मी की जान बचाने के लिए और उनकी खुशी के लिए तुमसे शादी की है। तो आजी, हम सिर्फ समाज और हमारे माता पिता को दिखाने के लिए पति पत्नी हैं। अजय, आप भूल रहे हैं कि आपने हमें मंगल सूत्र पहनाया है, अग्नि को साक्षी मानकर मेरे साथ साथ फेरे लिए। क्या इन सब का आपके लिए कोई मतलब नहीं? आपने आपने अपनी माँ की जान बचाने के लिए मेरी जिंदगी को ही मार डाला। आई एम सॉरी सपना, मगर मेरे पास और कोई चारा नहीं था, लेकिन एक रास्ता और है जिस पे चलकर हम दोनों खुश रह सकते हैं। मैं भी खुश रहूंगा, मुझे अपना प्यार भी मिल जाएगा, और तुम्हें भी अपनी पत्नी होने का हक मिल जाएगा। अजय, आप क्या कह रहे हैं, हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। देखो सपना, आज की हाई सोसाइटी में हर कोई ब्रॉड माइंडेड होता है, मेरे सारे फ्रेंड्स भी ब्रॉड माइंडेड हैं। वो अपने अपने लाइफ में खुश हैं और हमेशा खुश रहना चाहते हैं, इसीलिए हर वीकेंड में वो लोग अपनी बीवियों के साथ एक जगह इकट्ठा होते हैं और वहाँ अपनी अपनी बीवियों को एक्सचेंज करते हैं। सारी रात मजे करने के बाद फिर वही नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ उनकी पार्टीज में आओ, वहाँ मुझे निशा भी मिल जाएगी और बाकी की जिंदगी हम लोग भी हंसी खुशी बिता लेंगे। इसका मतलब अजय, आप चाहते हैं कि हम आपका प्यार पाने के लिए आपके उन दोस्तों के साथ सो जाए? तो क्या हुआ, उनकी वाइफ भी तो यही करती हैं। यही तो दुख की बात है अजय, आज हमारे देश में जहाँ नारी को संस्कृति की देवी माना जाता है, वहाँ ऐसी औरतें भी हैं। लेकिन सॉरी अजय, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ। बेशक हम आपका प्यार पाना चाहते हैं, आपकी पत्नी होने का हक पाना चाहते हैं, लेकिन मुझे आपकी शर्त मंजूर नहीं। इससे तो अच्छा होता कि हमारी शादी ना हुई होती। अब जब हमारी शादी हो चुकी है, तो हम अपने माता पिता और समाज के लिए सिर्फ दिखावे के लिए ही पति पत्नी होंगे, और जब तक आपके दिल में हमारे लिए बेशुमार प्यार नहीं आ जाता, हम आपका इंतजार करेंगे अजय, हम आपका इंतजार करेंगे। मम्मी डैडी की तरह तुम भी तक क्या सिखा लो इनके। अरे सपना बेटी, ये अजय अभी तक नीचे नहीं उतरा। बाबूजी, वो शादी की भागदौड़ से थक गए होंगे, अब इसलिए सो रहे हैं। तुम्हें भी सोना चाहिए था, तुम भी थक गई होगी ना। बाबूजी, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दीजिए, और वैसे भी मैं तो दोपहर में भी सो सकती हूँ। और बाबूजी, अगर मैं सो गई तो आपको अच्छा अच्छा पकवान बनाकर कौन खिलाएगा? हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। देखो बेटे, तुम ना मुझे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, खीर वगैरह बनाकर रोज खिलाना, मुझे खाने का बहुत शौक। आप मीठे पे कम ही ध्यान दे तो अच्छा है, नहीं तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। हाँ तो क्या हो गया भाई, अब तक मैं हलवाइयों का फायदा करवाता था, अब मैं कुछ डॉक्टरों का फायदा करवाना चाहता हूँ। हेलो अजय। हाँ बोल सुनील।
यार निशा कह रही थी आज सैटरडे है और तू नए पार्टनर को हमसे मिलाने ला रहा है, आ रहा है ना? आज तो सपना को मम्मी के साथ किसी के यहाँ जाना है। जाना तो वैसे मुझे भी है, चल एक काम करते हैं, मैं अकेला आ जाता हूँ। अकेले? यार देख सही बताऊँ तो अकेले एक ही क्लब में एंट्री है नहीं, और वैसे भी नया मेहमान आने वाला है तो हर कोई बेताब है उससे मिलने के लिए। तो अब देखते हैं किसकी किस्मत में सपना जी पहले आती है। चल अभी ज्यादा बकबक मत कर, आज देखते हैं तुम्हारा गेम क्या है, फिर तो अपनी जिंदगी में काफी सैटरडे पड़े हुए। सैटरडे? चल ठीक है, तू बाहर आ जा, मुझे फोन कर, तुझे लेने आता हूँ। ठीक है, चल मैं तुझे कॉल करता हूँ। ओके। क्या हुआ, वो सपना को लेकर नहीं आ रहा है क्या? डार्लिंग, अजय को तो आने दो, सपना तो खुद ब खुद आ जाएगी। हेलो सुनील। हाँ जय बोल। हाँ मैं बाहर खड़ा हूँ यार, तो रुक मैं आता हूँ। ठीक है चला जा। ओके। हे अजय। हे सुनील, कैसा है? मस्त यार, सपना भी आती तो मजा डबल हो जाता। यार गेम क्या है, आज तुझे सिर्फ इतना ही देखने को मिलेगा, असली मजा तब आता मस्त जब पटाखे को साथ लाता। क्या करूं यार, कुछ मजबूरी थी इसीलिए साथ नहीं ला पाया। चल कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं मजे लेते हैं। आ ठीक है चल, चलो आज मजा आ जाएगा। ओह ये गॉडस टुडे। ओह रियली? नो नो, आजा मेरी जान, तुझे जन्नत दिखाता हूँ, आजा, सब अपने ही तो है। चीयर्स। हे गाइस, व्हाट्स अप? हे डूड। हे मैन। हाय। हाय अजय। हे अजय, ये सूखा सूखा हाय हेलो करने से क्या फायदा? हाँ अपने वाइफ को लाते तो तुम्हारी रात भी बहुत रंगीन हो जाती। He's right. तो बॉस अब गेम शुरू करते हैं। ये लो हमारी तरफ से। Come on guys. जैसा कि आप सब लोग हमारे की क्लब का रूल जानते हो, जिसकी चाबी जिसके पास आएगी उसकी बीवी उसके साथ जाएगी। अब चाहे वो मेरी बीवी तुम्हारे साथ या फिर तुम्हारी बीवी मेरे साथ, तो स्टार्ट करो। स्टार्ट। वाओ शक्ति, यू आर लकी बेबी मां, यू आर लकी। कम ऑन, let's go. Okay. Yes, Sunil. Yes. Yeah. Come on. Okay, baby. Basil. Yes. Come on. Right. Wow. Come on. Let's go. हमारे लिए तो सिर्फ formality ही बची है. Obviously, Pawan. चलो. Mm-hmm.
कितनी रात हो गई, ये अजय अभी तक नहीं आया, कहां रह गया होगा? अजय, ये कोई वक्त है घर आने का? तुमने शराब पी रखी है क्या? तुम सपना के साथ खुश नहीं हो? पापा, सपना से शादी मैंने आपकी और मम्मी की खुशियों के लिए की है, और अपनी खुशियों का गला घोंट दिया। अब मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आपको और मम्मी को आपकी खुशियां मैं दे चुका हूं। संभल के अजय, ये क्या किया मैंने? सपना की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने उसकी खुशियों का गला घोट दिया। वाह देवी जी वाह, घर मेरा, ये बेडरूम भी मेरा, ये बिस्तर भी मेरा, फिर भी मैं वहां सोफे पे सोता हूं, और तुम यहां अपनी टांगे फैला के मेरे बिस्तर पे लेट जाती हो। अगर मेरी बात नहीं माननी है तो आज से तुम वहां सोफे पे सोगी और मैं यहां बिस्तर पे, समझे? लेकिन अजय, हम आपको सोफे पर सोने के लिए कहां कह रहे, हम दोनों एक साथ इसी बेड पर सो सकते हैं, और यकीन मानिए हम आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। Yeah.
दिन तो जीने का तसव्वुर बेमानी है सनम, तुझ बिन तो जीने का तसव्वुर बेमानी है सनम। अब तो मेरा तेरे सिवा कोई भी नहीं है, मेरा प्यार है मेरी जिंदगी है, तू मेरा प्यार है मेरी जिंदगी है। सपना बेटी। हाँ, सपना बेटी, अजय कल रात भी घर नहीं आया। बाबूजी, उन्होंने फोन करके बता दिया था कि वो अपने दोस्त के साथ पुणे जा रहे हैं, तो रात को वो नहीं आएंगे। बेटे, तुम अपने दुख को सीने में दबाए हुए उसका एहसास अपने चेहरे पर नहीं होने दे रही हो। मैं जान चुका हूं कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं बाबूजी, बाबूजी आप ऐसा मत कहिए। अजय की रगों में माँ और आप दोनों का खानदानी लहू बह रहा है। भगवान जी सब ठीक कर देंगे बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। आप यकीन रखिए। अपना ख्याल रखना बेटी। हेलो शक्ति। कौन? यार अजय बोल रहा हूँ। हाँ अजय बोल। मैं क्लब के बाहर खड़ा हूँ, प्लीज मुझे आके ले जा। ओके ओके। प्लीज यार। ओके यार, आ रहा हूँ ना यार। ठीक है, थैंक्स, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा।
हाय अजय, कैसा है यार? क्या यार, आज भी तेरे साथ सपना नहीं आई? नहीं यार, वो बहुत ही पुराने ख्यालात वाली लड़की है, उसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ दोस्त, तुम सब दोस्त मिलके मुझे संभाल लो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। अरे यार, हम तो तेरे अपने ही हैं, बेगाने थोड़ी हैं। लेकिन तुझे तो मालूम है इस क्लब में आने के लिए पार्टनर का होना कितना जरूरी है। दोस्त, मैं सिर्फ तुम दोस्तों के बीच में कुछ लम्हे बिताना चाहता हूँ, प्लीज कुछ कर। तू फिकर मत कर, तू चल मेरे साथ, मैं सब संभाल लूंगा। चल चल चल। हाय गाइस। हाय। अरे आज तुम फिर से अकेले आ गए? प्लीज दोस्तों, इसे आज कुछ मत कहना, बेचारा बहुत परेशान है, इसने आज मुझसे खुदकुशी करने तक की बात कर डाली। बेचारा तो ये शक्ल से नजर आ रहा है और परेशान भी है, क्यों ना इसे अपनी ही गेम में शामिल कर लिया जाए। Yeah, that's a cool idea, babes. I think Ajay, you should join us. अबे छोड़ ना यार, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, तुम जैसे हैंडसम लड़के को तो बहुत सी सपनाएं मिल जाएंगी। तलाक देना साला। हाँ हाँ, ये ठीक कह रहा है। तो गाइस, टाइम मत खराब करो, फटाफट से अपनी अपनी चाबी डालो और गेम शुरू करो। यो, दैट्स माय। ओके, ये, यस। आज सबसे पहले चाबी मैं निकालूंगी। गो अहेड। पवन। ये। शक्ति, वाओ, हाय। क्यों? लेट मी ट्राई माइन। Oh my god, draw it. Let's see. Sunil. ऐ मेरे हमदर्द दोस्तों, मेरा भी तो कुछ ख्याल करो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। रोहित, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्या अजय को हम अपने साथ लेके जा सकते हैं? Anyways, I don't have any problem with both the guys. I also don't have any problem. वैसे भी निशा तुम दोनों को मिल जाएगी, और इसके तो अरमान भी कुछ ऐसे ही थे। ठीक है भाई, अगर तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? Let's go. Yeah, let's go, yeah. Come on, let's go. Woo! Best of luck, dear. Yeah. Bye, sweetheart. Bye. Mm-hmm. Come on. Oh, Ajay. आखिर किसी ना किसी बहाने से मेरी बाहों में आ ही गए ना? ये मेरी बदकिस्मत ही थी जो तुम्हारे जैसी सेक्सी लड़की मेरे हाथों से निकल गई। हेलो जनाब, हम भी खड़े आ रहा हूं, मैं अपनी बीवी दे के लाऊं इसे बदले में। सॉरी रोहित, तुम क्यों शर्मा रहे हो, तुम भी आ जाओ मेरी बाहों में।
गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग मन भाई, गुड इवनिंग। अरे उस्मान तू, और ये तेरे साथ कौन है? भाई हमारी बीवी है, क्यों तुम्हें कोई शक है? अरे मुसलमान हूँ यार, हमें तो वैसे भी चार बीवियां रखने का हक है यार। अभी तो ये दूसरी है और दो बाकी। लेकिन रशीदा भाभी, अरे यार वो तो घर की चार दीवारी वाली बीवी है, और ये तुम लोगों की तरह बाहर मजा करने वाली। अब तो यार मैं पैसे वाला बन चुका हूँ, हमारी भी लाइफ है यार, है? या नहीं है, तुम ही बताओ। अरे हाँ यार, तू अजय को भी कुछ समझाना कि वो भी कुछ ऐसा करे ताकि बेचारा कम से कम खुश तो रह सके। बाय द वे, मैंने तुम्हारे स्की क्लब के बारे में बहुत सुन रखा है, क्या मैं तुम लोगों के साथ गेम खेलने के काबिल हूँ? अरे यार बोलो, हूँ ना। यार आदमी हर रोज घर की दाल खा खा के बोर हो जाता है, और यहाँ देखो ये चिकन चिली बिरयानी तंदूरी मुर्गी। अरे मेरे दोस्त अजय। अजय आप मीट माय न्यू वाइफ शबनम। शबनम क्या हुआ यार, तू इतना दुखी क्यों है? बोलना, मुझे तो बोलना है यार। क्या उस्मान, तू भी यार अपनी पार्टनर को लेकर इस की क्लब में आ गया जिंदगी के मजे लेने, और मेरे नसीब में वही पुराने दक्यानों सी ख्यालात वाली लड़की लिखी थी। कई बार यहां आकर बेइज्जत होने के बावजूद मैं हर बार सैटरडे नाइट को तुम दोस्तों के बीच चला आता हूं, मेरी तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अरे यार चिंता छोड़, अब मैं जो हूं यहां पर। हे गाइस, क्यों ना कुछ हंसने हंसाने का इंतजाम हो जाए। मूड भी ठीक हो जाएगा यार। मिस्टर बॉलीवुड एंड हॉलीवुड, आई एम प्लीज कम हियर। हॉलीवुड एंड बॉलीवुड, हॉलीवुड बॉलीवुड, हॉलीवुड बॉलीवुड, हॉलीवुड बॉलीवुड, बॉलीवुड। नमस्कार देवी और नमस्ते। ये हमारे दोस्त हैं अजय साहब। अजय साहब नमस्कार। हाँ तो मिस्टर हॉलीवुड एंड बॉलीवुड, कुछ ऐसा करो के यहाँ पर हंसी के फवारे छूट जाएं। हाँ जरूर, समझ गए। अभी हम हंसने के लिए मजबूर कर देते हैं, चलो शुरू हो जाओ। तो सुनिए, लगता है बहुत पकाएगा। तो शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत शेर के साथ। इरशाद इरशाद, लोग मोहब्बत करते हैं बड़े जोर के साथ। वाह वाह, अरे गीदड़ की औलाद, अभी तो सिर्फ पूंछ बाहर आई है, शेर को बाहर तो आने दे। हाँ तो लोग मोहब्बत करते हैं बड़े जोर के साथ, हमने भी मोहब्बत की थी बड़े शोर के साथ, लेकिन अब मोहब्बत करेंगे बड़े गौर के साथ, जब से देखा है उस बेवफा को किसी और के साथ। यहाँ तो हर कोई किसी और को लेकर ही बैठा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अभी फिल्म नाना पाटेकर साहब की। दुख नाम की बीमारी के इलाज दुनिया में किसी डॉक्टर के पास नहीं। ये दुख नाम की बीमारी के इलाज को ढूंढना पड़ता है, दुख को भूलना पड़ता है। देख क्या नहीं था उसके पास, गाड़ी बंगला नौकर चाकर, बच्चे को मार डाला, खुद को जला डाला, सर पकड़ कर नहीं बेटा है कुछ, भूल गया। भूलना क्या भूलना पड़ता है, जा उसे समझा देना वो भी भूल जा। अभी शाहरुख खान साहब के अंदाज में सुनिए। शाहरुख खान नफरत करता हूँ मैं तुमसे, नफरत। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, लेकिन आऊंगा जब ही पारों की याद आएगी तब दबाऊंगा, जब ही खुद को दोषी पाऊंगा तब दबाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा मिलान, कहाँ होती है मोहब्बत के केस की सुनवाई। मिलान
लेट हो रहा हूँ रोज। वेरी नाइस। मिस्टर बॉलीवुड एंड हॉलीवुड, अब आप जाइए। ओके देवी और सज्जनो, अब मैं चलता। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय। क्या यार अजय, अभी भी तेरा मूड ठीक नहीं हुआ? छोड़ना यार, रॉयल क्लब में एक मस्त सुंदर सा पटाखा आया हुआ है जिसने अजय जैसे टूटे हुए दिलवालों को अपने हुस्न के जादू का दीवाना बना दिया। तो चलो चलो ना, चलो ना, चलो चलना यार, चल यार। अबे छोड़ इसको, रख दे, चल। अबे रख यार, चल देवदास, चल चल, उठ उठ उठ, चलना यार। के दिनों में तो तुम मुझे उस्मान भाई कहा करती थी, और आज इस कमरे में आते ही भाई गायब हो गया। उस्मान, इस क्लब में आने वाले कोई भी इंसान का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। रिश्ता होता है तो सिर्फ जिस्म का। कम ऑन बहना,
मुझे नहीं पता था कि मेरी चाबी तुम्हारे पास आ जाएगी। वो कॉलेज के दिनों में तुम्हारा अजय के साथ प्यार का चक्कर चल रहा था ना, जब मैं तो तब से ही तुम्हें बहन के रूप में देख रहा हूँ, और अजय के बहुत एहसान है मुझ पर। लेकिन अब सब बदल चुका है, अब कैसा रिश्ता? डियर सिस्टर, रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं ना, नहीं तो हमें और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा। और वेस्टर्न स्टाइल ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि तुम समाज के रिश्तों को भूल गई हो। क्या उस्मान भाई, आपने तो मूड ही ऑफ कर दिया। देखा, आखिर उस्मान भाई निकल ही गया तुम्हारे मुंह से। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं होने दूंगा। पूरी रात तुम्हें अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाकर खूब हंसाऊंगा। हाउ स्वीट। ठीक है, चलिए। यार अजय, कब तक तो यूं ही अकेला आता रहेगा और यहाँ बैठकर दारू पिएगा? कुछ करना मेरे यार, अगर सपना नहीं मानती है तो तलाक दे दे, दूसरी लेके आ जा। पर लाना सपना जैसी हसीन चीज, वरना मजा नहीं आएगा। Oh my sweet husband, जिस रूप में तुम मुझे देखना चाहते थे, आज उसी रूप में देखकर चौंक क्यों गए? नहीं नहीं, मगर तुम इस हाल में, इस रूप में यहाँ कैसे, यही पूछना चाहते हो ना? My sweet husband, अरमान तो मेरे भी कुछ ऐसे ही थे, पर वो क्या है ना कि घर का माहौल देखकर हिम्मत नहीं होती थी, पर अब जब तुम ही इसी माहौल में हो तो मुझे क्या डरना, अब मैं भी तुम्हारे दोस्तों के साथ जिंदगी के मजे लूटूंगी। पर तुम अचानक बदल कैसे गई? जनाब, अभी आपने हमारे जलवे देखे कहाँ है, जब पूरी तरह से खुलकर सामने आऊंगी तभी तो देख पाओगे ना। अच्छा, तो फिर दिखाओ अपने जलवे। Why not, darling? क्या लग रही है यार? Yeah.
मजा आ गया भाई। ओके गाइस, अब अपनी अपनी चाबियां निकालो। अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा। इतनी जल्दी भी क्या है, हम लोग अगले सैटरडे से हिस्सा ले लेंगे। अभी तो हमारी सुहागरात भी नहीं हुई। माय स्वीट हस्बैंड, इतने भी उतावले क्यों हो रहे हो? अब तो मैं तुम्हारी हूँ। वेट फॉर सम टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। Yeah, come on guys. Yes. Here's mine. Yeah, meri chabi. Are you sure? Of course, John. Oh, excuse. Oh. It's all right. Rohit. Ab meri bari. Oh, hello. Poor baby. It's your turn, babe. My darling! Hey, hey, hey. Oh, my darling. Yeah. Pavan! Okay, let's try my luck now. Oh. Ajay? Oh. Then, of course, it's Sunil. Yes! The lucky man. Bhai, sabse zyada khush naseeb to main hoon. अजय ने मेरी बीवी निशा के साथ शादी से पहले मजे किए। अब कुदरत का करिश्मा देखो, उसकी बीवी मुझे दे दी, वो भी सुहागरात से पहले। ये सब तो ठीक है, अजय सपना आज पहली बार आए तो इनके पहले राउंड में सभी को चांस मिलना चाहिए। क्यों सुनील? ठीक है, तो पहले सभी को चांस दे देते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल गेम शुरू करें। Yeah, that sounds good. Come on, मैंने कहा ना, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। हाँ हाँ, वैसे भी रात बीती जा रही है, क्यों अजय? Let's go guys. Come on. Yes, let's enjoy. चलो ना, नसीब वाला है। Come first, come on, अजय. Oh, come on, sweetheart. Come on. क्या हुआ अजय, तुम तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि हमारे बीच में सब पहली बार हो रहा है? आज तुमने दिल खुश कर दिया सपना डार्लिंग। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सपना मेरी बाहों में होगी, और वो भी अजय से पहले। डोंट मेक मी वेट बेबी। ओ सुनील, माय स्वीट डार्लिंग। क्या रात भर सोए नहीं क्या? लगता है सपना ने नींद उड़ा दी। क्यों यार, आज मुझे बड़ी बेचैनी सी हो रही है, पता नहीं आज सपना हम में से किसके साथ जाएगी। हाँ यार, अबे साले सुनील, तू तो गया था ना, क्या चीज है सपना, मजा आया कि नहीं? यार वो सब तो ठीक है, पर सपना और अजय है कहाँ? सपना आने वाली तो है ना, कहीं हमारे अरमान अधूरे ना रह जाएं। चलो शुरू करो यार, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ यार, लेट्स स्टार्ट द गेम। ओके। ये लो, हो गई बेचैनी का काम, सपना और अजय भी आ गए। आ जा भैया, आ जा। हेलो फ्रेंड्स। हाय। हाय गाइस। हाय। हेलो सुनील। क्यों बे कमीने, इतना शान क्यों बैठा है? पता नहीं अजय, जब से ये सपना के साथ गया है तब से ये महाशय आशिक हो गया है, फिदा हो गया है इस पर, और तब से मेरे साथ भी अच्छी तरह से पेश नहीं।
क्या हुआ सुनील, सब ठीक तो है ना? जम गया माहौल, नाउ स्टार्ट द गेम। यस ओके। हेलो भैया, कम ऑन कम ऑन यार। ये मेरी भी डालूं। उस्मान, हाय। वाओ उस्मान, कम ऑन डियर, निकालो चाबी। ओके सुनील, अजय, यस, शक्ति, ओके, एंड नाउ इट्स हर टर्न। कम ऑन यार। It's me, the lucky one. You know it. Chale? Chalo. Let's move. Bye. Cheer up, baby. अरे वाह, come on, baby. मेरी अपनी तो किस्मत जाग गई. Let's go. Oh, Justin. Come on. हाय मेरी जान, शादी पर देखा था तुम्हें, आज मौका मिला है प्यार करने का। रोहित, इतनी भी क्या जल्दी, अब अभी तो पूरी रात बाकी है। हाय, तो लो मुझे अपनी बाहों में ले लो। ये खूबसूरत जिस्म कहीं पूरी रात कम ना पड़ जाए। सपना, तुम इतनी फ्री थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं पहले तुम्हें परखना चाहती थी, देखना चाहती थी कि कहीं तुम टिपिकल हस्बैंड की तरह मेरा इम्तिहान तो नहीं ले रहे हो, इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। पूरी तरह तसल्ली करने के बाद ही मैं तुम्हारे सामने खुल कर आई। कल रात से ही मैं बहुत खुश हूँ, और ये खुशी मुझे तुमने ही दी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक नई जिंदगी मिल गई हो। ये तो शुरुआत है जानेमन, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। पर मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, मगर आज आज मैं तुम्हें अपने प्यार से नहला दूंगा। छोड़ो ना, आज मूड नहीं है। मेरे पास आओ ना। प्लीज अजय, छोड़ो ना, फिर क्या। नहीं सपना, आज मुझे मत रोको, आज मुझे तुम्हें अपनी बीवी बना लेने दो। Thank you.
अरे यार ये सुनील और निशा अभी तक नहीं आए। हाँ यार रोहित और प्रीति भी नहीं है। ये लो रोहित और प्रीति भी आ गए। हाय। क्या बात है रोहित, आजकल बड़े उखड़े उखड़े रहते हो, कहीं प्रीति से झगड़ा तो नहीं हुआ? देखिए ना, एक हफ्ता होने को आया है, रोहित मेरे साथ ठीक ढंग से बात ही नहीं करता। अरे सपना, तुमने इन पे कोई जादू तो नहीं कर दिया? ये लो दोनों मुंह लटकाए आ गए। हाय गाइस। हाय सुनील। अरे सुनील, पिछले दो सैटरडे से देख रहा हूँ तू बिल्कुल भी मूड में नहीं रहता, क्या बात है? नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा बिजनेस भी स्लो है और तबीयत भी खराब है। क्या पता, कुछ दिनों से सुनील मेरे साथ अच्छी तरह बिहेव नहीं कर रहा, कुछ कहती हूँ तो काटने को तोड़ता है। And not only that guys, आज तो महाशय यहाँ आने पर भी मना कर रहा था। God knows what is gone wrong with this guy. क्या बात है सुनील, मुझसे तो बोल। ऐसी कोई बात नहीं है, enjoy sir. Okay guys, game start करते हैं। और आज मैं देखता हूं किसकी किस्मत में कौन है। ये मेरी की। अरे डालना यार। रोहित। यस। सपना, यू स्टार्ट फर्स्ट। शक्ति। चलो आज हमारा नंबर भी आ ही गया। सपना डार्लिंग, तुमने हमें पूरे 15 दिनों का इंतजार करवाया। वैसे तो पहली नजर में तुम्हें देखते ही हम तुम्हारे दीवाने हो गए। अरे यार ये लोग अब तक आए क्यों नहीं? पता नहीं यार, हमेशा तो सब लोग टाइम पे आ जाते हैं, आज ही पता नहीं क्या हुआ। तो क्या करें, सबका वेट करें या गेम शुरू करें? फ्रेंड्स, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं अजय को अपना भाई मानता हूँ और इसलिए इसकी बहुत इज्जत करता हूँ। अगर मेरी चाबी सपना के हाथ में आई तो मैं नहीं जाऊँगा, मुझे माफ कर देना। लेट्स स्टार्ट द गेम। और वैसे भी अजय के साथ जाने के लिए एक मैं ही तो बची हूँ। ठीक है, तो फिर आज हम आपस में ही एक्सचेंज कर लेंगे। तो चले पवन डाली। चलो आज तो मेरी किस्मत खुल गई। हाय। जल्दी करो सपना, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बेचैन हूँ। हेलो। हाँ बोल सुनील। नहीं यार आज नहीं हो पाएगा। कहाँ? रॉयल पार्क में। अरे यार ऐसी भी क्या जरूरी बात है? चल ठीक है। हाँ हाँ मैं आता हूँ। हाँ सपना भी साथ आएगी। ओके चल बाय। क्या हुआ डार्लिंग, किसका फोन था? सुनील का। हाँ? पता नहीं, कह रहा था कुछ जरूरी बात है, सबको रॉयल पार्क में इकट्ठा होने के लिए बोला है। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा और तुम्हें भी बुलाया है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हम साथ चलते हैं। तुम तैयार हो जाओ, मैं फ्रेश होके आता हूं।
क्या बात है, हमें भी तो कुछ बताओ। Hey guys, how are you? अजय, देखो ना, कई दिनों से ये लोग हमसे उखड़े उखड़े हैं, कुछ बताते ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ, पहले तो जब भी मौका मिलता था रोहित कहीं भी शुरू हो जाता था, पर अब जब मैं हाथ लगाती हूँ तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कोई करंट लग गया हो। हाँ, और आजकल हमारा भी यही हाल है। क्यों दोस्तों, क्या हुआ, ऐसे उखड़े उखड़े क्यों? हाँ अजय, तुम ही बात करो, शायद तुम्हें कुछ बता दे। हमसे क्या पूछते हो? इस कुत्ते से पूछो, इसीलिए इसे आज यहाँ बुलवाया। क्या मतलब? अब ज्यादा भोला मत बन, ये तू भी जानता है हमारी मैरिज लाइफ बर्बाद करने वाला। तू क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुझे पता नहीं है तुझे और सपना को एड्स है? फिर भी तूने हमारी बीवियों से रिश्ता बनाकर उन्हें भी इस बीमारी का शिकार बना लिया। क्या क्या क्या, क्या ये सच है? ये झूठ है, बकवास है। किसने कहा कि मुझे एड्स है? तेरी बीवी सपना ने। सपना ने? हाँ हाँ, सपना ने। अरे यार, सपना तो गैर थी, फिर भी उसने हमें इस खतरनाक बीमारी के बारे में बताकर इसकी चपेट में आने से बचा लिया। पर तू तो हमारा दोस्त था, फिर भी हमारी बीवियों को इस खतरनाक बीमारी की चपेट में ले लिया। इसी वजह से आज भी हम हमारी बीवियों से दूर भागते हैं। मुझे बताओ ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? मैं बताता हूँ क्या बकवास। जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर एक बार हाथ और उठाया तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। क्या बर्बाद करेगा? हाँ? साले आज मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। रोहित रोको ना। सुनील, मेरी बात सुनो। अजय, तुम तो मेरी बात सुनो। बस क्या कर रहे हो? जिस बात के लिए तुम लोग लड़ रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि अजय को एड्स नहीं है। यही बात तो मैं इन लोगों से कह रहा था। तू रुकना यार, बता रहा हूँ मैं। क्या मतलब अजय को एड्स नहीं है? जो हमें सपना ने बताया वो? सपना ने तुमसे झूठ कहा था। मगर सपना ने झूठ क्यों कहा? वो हम लोगों का प्लान था। कैसा प्लान? देखो दोस्तों, पिछले दिनों तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो एक वेल प्लान ड्रामा था, जिसे मैंने डायरेक्ट किया और सपना ने एक्ट किया। ड्रामा? पर ड्रामा था क्या? सपना, अब तुम ही बताओ। तो फिर सुनिए, शादी के बाद अजय जब मुझसे दूर दूर रहने लगा और बात बात में लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाता, तो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए पिताजी ने उस्मान भाई को बुलाया। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम से बुलाया है। जब से अजय ने शादी की है सपना के साथ, तब से लेकर आज तक उसने सपना की तरफ नहीं देखा। ये घर बड़ी परेशानियों से गुजर रहा है, अब तुम्हें कुछ करो बेटा। सपना बहन, ये तुम्हारा भाई है तो बहुत छोटा आदमी, लेकिन काम अपनी पहुंच से बढ़कर कर सकता है। और इस भाई का तुमसे वादा है कि अब अजय हर हाल में तुम्हारे पास होगा। उस्मान भाई, हम तो आपको उसी दिन देखकर समझ गए थे कि आप उनके और दोस्तों से बिल्कुल अलग हैं। उस्मान भाई, अब तो आपको ही कुछ करना होगा, क्योंकि अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। तुम चिंता क्यों करती हो? अब तुम्हारी सारी चिंताएं मेरी हैं। उस्मान बेदा वाला एक डिटेक्टिव की तरह आज से ही अपना काम स्टार्ट करता है। और फिर उस्मान भाई। सलाम सपना बहन। अरे उस्मान भाई, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे भाई, चाय पीने का समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, बैठो। क्या हुआ भैया? क्या हुआ ये पूछो, क्या नहीं हुआ? तुमसे अजय को वापस लाने का वादा किया उस्मान बेदावाला ने,
अरे जब मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इस हाई सोसाइटी की चकाचौंध के पीछे छुपा वो काला चेहरा देखा है कि इस बंदे के तो होश ही उड़ गए। भैया प्लीज मुझे बताइए क्या बात है। अरे हमारे दोस्त सैटरडे नाइट पार्टी के नाम पर एक दूसरे की बीवियां। ची, तुम्हारे सामने तो ये बात कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। मैं जानती हूँ भैया, और अजय ने भी मुझसे वहाँ चलने की जिद की थी, मैंने मना किया, इसीलिए तो हमारे बीच ये दूरियां हैं। तुम जानती हो तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वही बात भैया, एक बहन अपने भाई से ऐसी बातें कैसे कर सकती है। लेकिन भैया आप वहां कैसे गए? अरे भाई इसके लिए मुझे एक बाजारू लड़की का सहारा लेना पड़ा। हाँ लेकिन मैंने वो सब कुछ नहीं किया जो ये इन लोगों ने किया। मेरे साथ निशा को भेजा गया लेकिन मैंने उसे बहन कहकर अपने लिए उसके मुंह से बाही निकलवाकर जान छुड़वाई। थैंक गॉड। लेकिन भैया अब हम क्या करें? हमारे दोस्तों और अजय को उस दलदल से निकालने के लिए तुम्हें उस कल्चर का हिस्सा बनना पड़ेगा। नहीं नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं, ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे सपना सुनो ना, तुम्हें वहाँ सिर्फ रहना है, अपनी पवित्रता को खराब नहीं करना, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। तो फिर भैया मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। और मैं वैसा ही करती गई जैसा उस्मान भाई ने मुझसे कहा था, और जब मैं पहली बार सुनील के साथ गई, मेरे घर के कुक के साथ मेरे नाजायज संबंध है, और एक महीने से वो बहुत बीमार रहने लगा, तो मैंने उसका टेस्ट करवाया, मालूम पड़ा कि उसे HIV पॉजिटिव है, और मैं उसके साथ, तो तुम समझ रहे हो ना, मैं तुम जैसे हैंडसम स्मार्ट और इंटेलिजेंट बॉय को अंधेरे में नहीं रखना चाहती, इसीलिए सब बता रही। अरे थैंक गॉड तुमने मुझे पहले ही बता दिया। तुम्हारी तकदीर अच्छी है सुनील कि तुम बच गए, लेकिन निशा? मतलब निशा को क्या? तुम तो जानते हो कि निशा अजय के साथ है, और अजय उसे छोड़ने वाला नहीं। इत्तेफाक से अजय भी इस बीमारी का शिकार हो चुका है। कमीना, अब तो भगवान ही बचाए निशा को। लेकिन अजय ने तो तुम्हें छुआ तक नहीं है। वो तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अजय तो पहली रात में ही मेरा दीवाना हो चुका था। उसका कहना था कि मैं सिर्फ उसके बन के रहूं, एंड फॉर अ चेंज वो तुम लोगों के पास आता रहे। कमीना, हमें उल्लू बनाता रहा। हरमजादा बहुत स्मार्ट है। डार्लिंग मुझे याद आया, कॉन्डम तो मेरे पर्स में है। ना बाबा ना, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन अब निशा का क्या होगा? तब से सुनील निशा से दूर रहने लगा। उसके बाद जब मैं रोहित के साथ गई, शादी से पहले मैं बहुत फ्लर्ट किया करती थी, कई लड़कों के साथ मेरे रिश्ते भी बने। शादी से पहले मैंने टेस्ट करवाया था, मुझे एड्स है। तुम्हें एड्स है? पर तुमने शादी क्यों की? तो क्या करती, माँ बाप से सच कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। थैंक गॉड मैं बच गया। फिर मैंने शक्ति को भी इसी तरह समझाने की कोशिश की, जब भी मुझे तुम्हारे जैसा हैंडसम स्मार्ट लड़का मिलता मैं उसे अपने आप को सौंप देती। क्या बक रही हो, अजय को ये सब पता है? अजय को तो ये भी पता है कि मैं HIV पॉजिटिव। क्या ये सच है? Come on darling, रात बीती जा रही है और मेरा तन बदन आग बरसा रहा है। आग बुझानी है तो बाथरूम में जाओ और ठंडे पानी से नहा लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो मेरी माँ। यस। अंत में जब कोई नहीं आया, सिर्फ साधना और पवन आए, तो मैंने पवन को भी मुझे एड्स
Oh my God. अच्छा हुआ तुमने मुझे पहले ही बता दिया, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो तो अभी भी हो सकती है। वो कैसे? अजय साधना, साधना अजय, अजय को भी एड्स है। ओह नो। ये था हमारा प्लान। मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मुझे तेरे जैसा दोस्त और सपना जैसी प्यार करने वाली बीवी मिली, जिन्होंने सिर्फ हमें इस गंदे दलदल से निकालने के लिए खुद इस दलदल में आकर हम सबको बचाया। थैंक्स। थैंक गॉड ये सब झूठ निकला। लेकिन ये सच भी हो सकता था। आज की दुनिया में हाई सोसाइटी, वेस्टर्न कल्चर के नाम पर ऐसे कलंकित और गंदे काम हो रहे हैं। लोग एंटरटेनमेंट, फन क्लब और पता नहीं क्या क्या इनकी आग लेकर अपनी हवस को बुझाते हैं। और आप लोग दोस्त की बीवी को भाभी कहते हो ना, क्या इतना भी भूल गए कि भाभी माँ समान होती है, बहन का रूप होती है, और उनके लिए ऐसी गंदी सोच। छी। और ये लड़कियाँ हाई सोसाइटी, हाई स्टेटस, वेस्टर्न कल्चर के नाम पर एक भारतीय नारी की मर्यादाओं को भूल जाती है, अपने नारीत्व का भी उल्लंघन करती है। अरे नारी, नारी का सबसे बड़ा श्रृंगार तो शर्म होती है, हया होती है, मोहब्बत नजाकत होती है। और ये लड़कियां आज के बाजार में ऐसी अनमोल चीजों को बेच देती हैं। हमें माफ कर दो सपना, इस माहौल में रहकर हम अपनी समझ खो बैठे थे, समाज के सारे मर्यादा को ही भूल गए थे। सपना, आज तुमने हम सबकी आंखें खोल दी, हमें माफ कर दो प्लीज। शुक्रिया हमारा नहीं, शुक्रिया करना है तो उस ऊपर वाले का करो जिसने हमें भेज दिया तुम्हें इस दलदल से निकालने के लिए। अरे सेक्स का नशा इतना बुरा है, इसकी वजह से आज हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस एड्स नामी राक्षस का सामना करना पड़ रहा है। अगर एड्स से बचना है तो खुदा की मर्जी मानो, उसने जिसे तुम्हारे लिए बनाया उसी से रिश्ता निभाओ। सेक्स एक ऐसा समंदर है जिसमें एक बार डूबे तो डूबते चले जाओगे। खुदा का शुक्र मानो कि ये सब झूठ है। मैं तुम सबसे पूछता हूं, अगर ये सच होता तो? सपना मैं तुमसे माफी मांगने लायक तो नहीं हूं, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज मुझे ये एहसास हो गया है कि मेरे लिए सच्ची जीवन साथी और पवित्र स्त्री सिर्फ तुम ही हो। अजय अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अतीत को याद करके अब कुछ हासिल नहीं, अब सिर्फ मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। और अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सपना, I love you. I love you too. चलो आज अजय और सपना तो एक हो गए, लेकिन आज तक हम सब ने जो कुछ भी किया उस सब से हम बहुत शर्मिंदा हैं। मॉडर्निज्म और वेस्टर्न कल्चर की आड़ में हमने जो भी पाप किए उससे हम सब अपनी नजरों में गिर चुके हैं। कोई बात नहीं प्रीति, अब हम सब लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। हमने आज तक जो भी किया बहुत बुरा किया, अब हम सबको मिलकर समाज में फैले दहेज के दूषण और एड्स के खिलाफ जंग का ऐलान करना होगा। आज तक हमने सैटरडे नाइट की क्लब में जाके जो भी पाप किए उन सब का पश्चाताप करने का समय आ गया है, और उन लोगों को बचाने का जो इस दलदल में फंसे हुए हैं। सही बात है, अब तक हमने जो किया उसे भूलकर आगे से नई जिंदगी की शुरुआत अच्छी करनी चाहिए। और सपना तुम जितनी पवित्र हो अजय भी उतना ही पवित्र है।
हाँ सपना, अजय उतना ही पवित्र है। आओ दोस्तों, आज हम सब मिलकर ये कसम खाते हैं कि इस दुनिया से एड्स और दहेज नाम के राक्षस का हमेशा हमेशा के लिए सफाया कर देंगे। आओ दोस्तों।